हिंदू धर्म को तो कत्ल कत्ल कर दो, कत्ल, हमारे हिंदू भाई हमारे हिंदू धर्म को कत्ल कर रहे हैं। तो भाई दूसरे रिलीजियस क्यों मानेंगे सर, क्यों मानेंगे? हमारे जो भी वो चीफ मिनिस्टर का लड़का ने कहा सनातन धर्म का क्या है, वो डेंगू है, कोविड है, शर्म नहीं आती इनको? हिंदू है ना तू, तू वो छोड़ दे, धोती पहनना छोड़ दे, तू बुरखा पहनना, अपनी बीवी को बुरखा पहना, क्यों नहीं पहनाता? हिंदू की खाएगा, हिंदू की जगह रहेगा, हिंदू मंदिर में जाएगा। हमारे देश के मोदी जी ने जो किया ना, हमारे यहाँ से 42 साल हो गए, हमने एक मतलब डेवलपमेंट नहीं देखा, और ये 5 साल के अंदर जो दिखा है ना मोदी जी ने करके, ये कई सालों तक इसकी आवाज़ गूंजेगी दुनिया में। 1884 में पेट्रोल 84-87 रुपीज़ था, आज 97 है, 10 रुपये बढ़े। कमाई नहीं बढ़ी सर, कमाई नहीं बढ़ी। जहाँ 1500 रुपये नौकरी पे मिलती थी, आज 15,000 रुपये मिल रहे हैं लेबर को। 60 सालों में जो कांग्रेस ने लूटा है ना, अब मोदी जी उसको समेट रहे हैं। जो लूटा है देश को, जो लूटा है, जो लूट का माल लेके भाग गए, तो उसका उसका समेटा जा रहा है सब कुछ। जो रायता फैलाया है ना, 60 सालों का रायता तो 10 साल में नहीं समेट सकते ना। झारखंड तो चोर पार्टी है सर, 27 पार्टी क्या, अपने परिवारवाद है सर, परिवारवाद जिसको कहते हैं, जिस सिर्फ खाली इनकम करना है। आज सोनिया गांधी ने जब हमारे सैनिकों को सर पत्थर पड़ते थे जीप के आगे बांध के, आज कहाँ गए पत्थर सर, कहाँ गए पत्थर? 500 रुपये के लिए बेच दिया देश को, आज 356 हटने के बाद सबकी फटी पड़ी है। घटक दल तो वो तो जुमला है, जो दे रहे हो जुमला है, जुमले के अलावा कुछ देते नहीं है ना। ये कुलियों के साथ राहुल गांधी नाटकबाजी कर रहे हैं। अटल जी मेरे घर के पीछे रहते थे, उनके साथ मैंने खेला है, कूदा है उनके, वो बड़े थे हमारे से, तो हमने उनके साथ समय बिताया है। और आज मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो बहुत, ये मैं तो अभी बात ही कर रहा था 10 मिनट पहले कि ये बंदे, ये तो सरदार पटेल है सर, जहाँ खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है मोदी जी। गठबंधन हवा हवाई है, हल्के में लेते हैं आप उनको, हवा हवाई सारा सब हवा है, ये कुछ नहीं होगा, आएगा तो मोदी गवर्नमेंट। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। भारत मंडपम में आए हैं और यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों से हम पूछते हैं कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे। तो इन्हीं सब विषयों से लेकर बात करते हैं। क्या नाम है सर? अपूर्व कुमार दास जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा फरीदाबाद। अच्छा अच्छा, यहाँ जैसे आप भारत मंडपम घूम रहे हैं, अभी यहाँ पर G20 समिट जो है हुआ है, क्या लगता है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा 2024 पर? सर अभूतपूर्व प्रभाव है हमारे देश के, मोदी जी ने जो किया ना, हमारे यहाँ से 42 साल हो गए, हमने एक मतलब डेवलपमेंट नहीं देखा, और ये 5 साल के अंदर जो दिखा है ना मोदी जी ने करके, ये कई सालों तक इसकी आवाज़ गूंजेगी दुनिया में, और गूंज रही है आज भी। और मोदी रहे या ना रहे, मोदी जी का नाम से गूंजेगा ये भारत, और ये भारत और 5 साल मोदी जी को मिल गया ना, भगवान ना करे मोदी जी हमारे बीच में रहे, अभी जब तक उनकी ज़िंदगी रहे और मोदी जी न रहते हुए भी ये डेवलपमेंट होगा मोदी जी के साथ जो काम। इसी बात को लेकर विपक्ष कहता है महंगाई और बेरोजगारी बहुत। विपक्ष तो टमाटर के कीमत पे जा रहा ना, 84 में पेट्रोल 84-87 रुपीज़ था, आज 97 है, 10 रुपये बढ़े। कमाई नहीं बढ़ी सर, कमाई नहीं बढ़ी। जहाँ 1500 रुपये नौकरी पे मिलती थी, आज 15,000 रुपये मिल रहे हैं लेबर को सर, वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता सर। दुनिया में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इंडिया में कहाँ है, इंडिया में कहाँ है ना, महंगाई तो सब जगह है सर। अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर लूट हो रही है, डिपार्टमेंट स्टोर की लूट हो रही है सर। हाँ इंडिया में हो रही है, इंडिया में तो वही चल रहा है ना, इंडिया में तो नहीं है ना। इंडिया में आज, पहले हम लोग सोचते थे आखिरी मंथ दिखता था हम लोगों को या सैलरी मिलेगी तब जाके काम चलेगा, आज आज कोई लेबर भी है ना वो बड़े मस्ती में काम चला रहा है, क्योंकि जेब में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल है। मोदी जी ने जो करके दिखा ना, दुनिया उनका लोहा मान रहा ना, पैर छूता है ना सर मोदी। फिर भी महागठबंधन बन चुका है। महागठबंधन तो चोर पार्टी है सर, 27 पार्टी क्या, अपने परिवारवाद है सर, परिवारवाद जिसको कहते हैं, जिस सिर्फ खाली इनकम करना है। आज सोनिया गांधी ने जब हमारे सैनिकों को सर पत्थर पड़ते थे जीप के आगे बांध के, आज कहाँ गए पत्थर सर, कहाँ गए पत्थर? 500 रुपये के लिए बेच दिया देश को, आज 356 हटने के बाद सबकी फटी पड़ी है। अब फिर से लाओ, ये महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है, शाहरुख अब्दुल्ला क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है ना कि 256-356 हटे भैया, और हमारा पाकिस्तान हमारा दबदबा बने। पाकिस्तान आज क्या कर रहा है हमारे ऊपर इल्ज़ाम कर रहा है, हमारे G20 मोदी का पैर छू रहा है, ऑटोग्राफ ले रहा है, ये हमारी उपलब्धि नहीं है सर।
और क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा। और अब मैं तो 5 साल बाद आ रहा हूँ, मैं तो दिमाग चौकाचौंध हो गया सर कि क्या किया हुआ। लेकिन जो है बीजेपी पर हमेशा धर्म से संबंधित राजनीति करने की आरोप लगा। कहता हूँ हिंदू धर्म को तो कत्ल कर दो, कत्ल, हमारे हिंदू भाई हमारे हिंदू धर्म को कत्ल कर रहे हैं। तो भाई दूसरे रिलीजियस क्यों मानेंगे सर, क्यों मानेंगे? हमारे जो भी वो चीफ मिनिस्टर का लड़का ने कहा सनातन धर्म का क्या है, वो डेंगू है, कोविड है, शर्म नहीं आती इनको? हिंदू है ना तू, तू वो छोड़ दे, धोती पहनना छोड़ दे, तू बुरखा पहनना, अपने बीवी को बुरखा पहना, क्यों नहीं पहनाता? हिंदू की खाएगा, हिंदू की जगह रहेगा, हिंदू मंदिर में जाएगा। ये भाई साहब गांधी परिवार क्या कर रहा है? कभी भी कभी क्रिश्चियन बन जाओ, कभी पंडित बन जाओ, कभी मुस्लिम बन जाओ, कभी कुछ कर जाओ, क्यों भैया? खाली वोट की राजनीति भैया, परिवार बदल। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी जी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, 12 जोड़ो यात्रा, कुली बन जाते हैं कहीं कुछ तो कर... है ड्रामेबाजी सर, ड्रामेबाजी। क्यों नहीं मोदी जी बनते कुली? मोदी जी पब्लिक के बीच में जाके हाथ हिला हिला के लोगों से, पब्लिक से, एक ये लेबर जिन्होंने काम किया यहाँ पर उनके साथ गले मिले ना, उनको अवार्ड दिया ना, पहले उसने कभी दिया? पहले भी काम हुए ना, कभी नहीं दिया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी दिया सर? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मोदी जी जमीन के नेता हैं, मोदी जी के साथ, अटल बिहारी के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं RSS पहले ग्वालियर में था, मैं अटल जी मेरे घर के पीछे रहते थे, उनके साथ मैंने खेला है, कूदा है, उनके वो बड़े थे हमारे से, तो हमने उनके साथ समय बिताया है। और आज मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो बहुत, ये मैं तो अभी बात ही कर रहा था 10 मिनट पहले कि ये बंदे, ये तो सरदार पटेल है सर, जहाँ खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है मोदी जी की। आज G20 में दिखा दिया ना दुनिया को सर, दिखा दिया ना दुनिया को, ये लोहा मानती है सर, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। मोदी जी जो कर दिए दुनिया में भारत को, ये भैया मोदी जी अब तक है भैया, आगे दुनिया भारत को लोहा मानते रहे, यही हमारी मोदी जी के साथ शुभकामनाएं, और क्या बोल सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी आएंगे? 100% परिवर्तन होगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, ये भारत मंडपम घूम के तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पिछले मतलब पिछले इतने सालों के काम को देख के कह रहे हैं, मतलब काम जो किया है वो सॉलिड है, उसका कोई मतलब 1.5% भी उसमें कमी नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन यही पर महागठबंधन बन चुका है, जितनी घटक दलें हैं सब एक साथ हो चुकी हैं, और घटक दलों के पास जो है 44% मत है, नहीं कर दे पाएंगी 2024 में? घटक दल तो वो तो जुमला है जो दे रहे हो, जुमला है, जुमले के अलावा कुछ देते नहीं है ना, ये कुलियों के साथ राहुल गांधी नाटकबाजी कर रहे हैं, तो इसका कोई वो दिखाने के लिए कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भ्रमण कर चुके हैं, किसानों के घर जो है खाना भी खाते हैं, खेती भी किए, धान की रुपाई वगैरह, ट्रैक्टर भी चलाए, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने सीखा है अभी तक, और 2024 में ताल ठोक रहे हैं मोदी जी को टक्कर देने। वो दिखावा है, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है कि हम बस जो 60 सालों में जो कांग्रेस ने लूटा है ना, अब मोदी जी उसको समेट रहे हैं, जो लूटा है देश को, जो लूटा है, जो लूट का माल लेके भाग गए, तो उसका समेटा जा रहा है सब कुछ, जो रायता फैलाया है ना, 60 सालों का रायता तो 10 साल में नहीं समेट सकते ना, उन्हें भी 60 साल या 50 साल तो 10 और लगेंगे ना उसको समेटने के लिए, तो और 5 साल तो चाहिए ना, तो मोदी जी को मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि अगले साल वो ही आएंगे, डाउट ही नहीं है, यहीं पर है ही नहीं ना, कंपटीशन में कोई नहीं है उनके, नहीं क्योंकि देखो जो आगे में कह रहे हैं सर, बिहार की बात कर लिया जाए, नीतीश कुमार जो है लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी जी भी लगातार मुख्यमंत्री रही हैं, और भी कई चेहरे हैं जो कंटिन्यू जो है राज्य सरकारों में सत्ता में है, सब गठबंधन में इकट्ठा हो चुके हैं। नहीं नहीं देखिए विपक्ष का कोई PM चेहरा नहीं, उनसे अगर जब भी पूछा जाए ना कि विपक्ष चेहरा क्या है, वो बात को घुमा देते हैं, अगर उनके पास विपक्ष का चेहरा होता ना वो बात को घुमाते नहीं है, सीधा सीधा बोल देते हमारे पास ये विपक्ष का PM कैंडिडेट ये है हमारा, क्योंकि मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है अगले 5 साल का, मैं तो दावे के साथ चलता अगले 10 साल तक मोदी रहेगा, मतलब पक्का है परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन मतलब चेंज तो नहीं होगा गवर्नमेंट, ये पक्का है, मतलब गठबंधन हवा हवाई है, हल्के में लेते हैं आप उनको, हवा हवाई सारा सब हवा है, ये कुछ नहीं होगा,
आएगा तो मोदी गवर्नमेंट, और इससे भी और बढ़ के डेवलपमेंट होगा। चलिए 5 साल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।